इफ द इंसिडेंट रे ऑन अ सरफेस इज अलोंग द यूनिट वेक्टर वी, एक सरफेस हो गई है, एक वेक्टर ये है, ये इंसिडेंट रे ऑन सरफेस इज अलोंग द यूनिट वेक्टर वी, ये वी वेक्टर हो गया, फिर ये रिफ्लेक्ट हो गई। एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज अलोंग द यूनिट वेक्टर डब्ल्यू, एंड द नॉर्मल इज अलोंग द वेक्टर ए, ये नॉर्मल है आउटवर्ड। एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, ए और बी की टर्म में बताओ, बताओ कैसे होगा। एक्सप्रेस हूं मैं, ये एक्सप्रेस वेक्टर डब्ल्यू इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। सपोज करो ये वाला एंगल को आप थीटा ले लो, अगर इसको हम आगे प्रोड्यूस कर दें फिर ये ऐसे जाएगी। आप देखोगे कि अगर ये वाला थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा। इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होंगे। ये वाला थीटा है, ये भी थीटा होगा, इसको प्रोड्यूस कर दिया तो ये बन गया हमारा इसके इक्वल वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो इसको भी हमने थीटा ले लिया, तो ये हो गया टोटल 2 थीटा हो गया। जो ए वी और डब्ल्यू होगा ये तीनों कोप्लैनर होंगे, तो कोप्लैनर होंगे लेकिन इसका जो डायरेक्शन है वो अलग है, इसका अलग है। तो अगर तीन कोप्लैनर वेक्टर होते हैं, सपोज करो एक्स वाई जेड तीन कोप्लैनर वेक्टर है, तो एक्स इक्वल टू हम लिख सकते हैं उसको ए ए वाई प्लस बी जेड, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये तीन कोप्लैनर वेक्टर है, तो हम इस कोप्लैनर वेक्टर को आप लिख सकते हो कि इस तरह से लिख सकते हो, जैसे ये डब्ल्यू और ये वी, तो डब्ल्यू माइनस वी क्यों, इसका डायरेक्शन अलग है, तो डब्ल्यू माइनस वी, या ऐसा कर सकते हो ये वी इधर हो गया ना, तो डब्ल्यू माइनस वी और इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए, ऐसा लिख सकते हो आप, डब्ल्यू माइनस वी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए। तीन वेक्टर कोप्लैनर होते हैं ना, अगर सपोज करो ए बी सी तीन वेक्टर है, ए बी सी थ्री वेक्टर्स हैं और ये कोप्लैनर है, तो आप ए को लिख सकते हो एक्स वी प्लस वाई और सी, इसमें बी और सी क्या होगा, एक्स और वाई क्या होंगे, स्केलर होंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये तो तब हो गया ना जब इनका डायरेक्शन एक ही है, यहाँ पे तो डायरेक्शन अलग हो गया है ना, ये सेम, ये इधर हो गई ये इधर हो गया, इनकी दो की डायरेक्शन इधर हो गई है ना, ऐसे देखोगे ना इसका एंड, इनकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है, तो इसलिए अब क्या करोगे, इसको दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो अब। इसको जब खोल देंगे तो ये हो जाएगा डब्ल्यू माइनस बी और डॉट डब्ल्यू माइनस बी, तो इसको कैसे खोला जाता है, डब्ल्यू का स्क्वायर प्लस वी का स्क्वायर प्लस माइनस ट्वाइस ऑफ डब्ल्यू डॉट बी इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये होता है। लेकिन इसमें जो है हमारा ये यूनिट वेक्टर है सारे, वी यूनिट वेक्टर है, ओमेगा भी, ये डब्ल्यू भी यूनिट वेक्टर है, ए भी यूनिट वेक्टर है, सारे यूनिट वेक्टर है, ये वन हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, वन और वन और टू, और इसमें डॉट प्रोडक्ट आप अगर लगा देते हो तो ये हो गया डब्ल्यू, ये हो गया वी, और डब्ल्यू और वी के बीच में एंगल कितना है, ये डब्ल्यू है और ये वी है, ये हो गया कितना एंगल हो गया है बीच में डब्ल्यू और वी के, 2 थीटा एंगल हो गया, तो ये आएगा यहाँ पर कॉस 2 थीटा और इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। तो यहाँ पर हो गया वन और वन टू, टू आपने कॉमन ले लिया, बचा वन माइनस, ये वन हो गया, ये वन हो गया, वन माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर।
वन माइनस कॉस टू थीटा होता है टू साइन स्क्वायर थीटा, टू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। तो अब लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारे पास, लैम्डा की वैल्यू टू साइन थीटा, प्लस माइनस आएगी। एक बात, अब एक और बात आती है यहां पर, जैसे W माइनस V इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू आ गई, ये जो हमारा ये क्या है V, ये है W, तो अगर हमको चाहिए कि साइन थीटा निकालना है अगर हमको, है ना, तो आप ये देखो A और V के बीच का एंगल निकाल लो, हमें इसका ऑप्शन देखो क्या आ रहा है, हमें चाहिए इसमें एक्सप्रेस W इन टर्म्स ऑफ A एंड B, इस W की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ A एंड B चाहिए, तो W इज इक्वल टू कितना आ गया, W इज इक्वल टू आ जाएगा यहां से लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू डाल दो अगर आप, टू साइन थीटा और प्लस ए, टू साइन थीटा ए और प्लस वी, ये आ गया। तो ए और वी के, ये डब्ल्यू की वैल्यू तो आ गई है ना, लेकिन हमको जो इसका आंसर चाहिए वो ए और बी में चाहिए, तो इसमें हमें साइन थीटा को रिप्लेस करना पड़ेगा, साइन थीटा को हटाना पड़ेगा। तो साइन थीटा को आप कैसे हटाओगे, अब साइन आंसर हमें ए और बी में चाहिए, और साइन थीटा की वैल्यू रख दो, साइन थीटा की वैल्यू ए और बी के टर्म में रख दो, तो ये ए है और ये बी है, तो ए और बी के बीच में कितना एंगल बन रहा है, यहां से यहां तक देख लो, देखो ये वाला थीटा है और ये यहां से यहां तक 90 है, तो 90 प्लस थीटा ए और बी के बीच में बन रहा है, तो ए डॉट बी निकालो, ए डॉट बी कितना आएगा, ए डॉट बी कितना आएगा, ए बी और कॉस थीटा, कॉस तो 90 प्लस थीटा हो जाएगा, ये यहां से वन हो गया, वन हो गया, तो कॉस 90 प्लस थीटा तो माइनस साइन थीटा हो गया, साइन थीटा की वैल्यू हमारी आ जाएगी माइनस ए बी, और वो साइन थीटा की वैल्यू आप यहां रख दो, तो माइन टू, ठीक है, टू और माइनस ए वी ए प्लस बी, तो ये सारा ए और बी में चेंज हो गया, v माइनस टू ए बी इंटू ए, समझ आया बात, क्वेश्चन बात समझ में आई, यहां पर ये v वेक्टर है, ये a है, ये इन दोनों की डायरेक्शन ऐसे दें अगर हम, तो ये ऐसे करके ऐसे आएगी तब एक डायरेक्शन होगी ना, तो इन दो की डायरेक्शन एक एक की इधर को है, और तीनों मान लो तीनों कोप्लेनर ही तो होंगे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल और ये सब कोप्लेनर होंगे, कोप्लेनर को आप कैसे लिख सकते हो, ये वाला तरीका होता है ना कोप्लेनर का लिखने का, कि एक वेक्टर को दो की टर्म में, तो यहाँ पे हमने W माइनस बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए लिख दिया, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर को डॉट प्रोडक्ट करके इसको खोल दिया, इसके बीच का अगर ये वाला एंगल थीटा लेते हैं तो ये भी थीटा ही होगा और ये भी थीटा हो जाता है, तो यहाँ से डब्ल्यू और बी, डब्ल्यू और बी के बीच में कॉस टू थीटा दो, ये लग गया है और ये वन हो गया, तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकल गई, ओमेगा की वैल्यू आ गई, ये क्या बोलते हैं इसको, लैम्डा की वैल्यू आ गई, अब लैम्डा की वैल्यू यहाँ रख दी, लेकिन हमें आंसर चाहिए ए और बी में, तो ए और बी के आंसर के लिए क्या करना होगा हमको, स्क्वायर ए और बी के लिए हमने, ए और बी दो है, ए और बी के बीच में एंगल कितना बनेगा, ये थीटा, ये थीटा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक 90 प्लस थीटा बनेगा, डॉट प्रोडक्ट लगा के साइन थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली ए और बी में, वो वैल्यू इसमें डाल दी, कोई डाउट इसमें समझ में आया, क्वेश्चन नंबर थ्री किसने किया है, नाम भेजो अपना जिसने किया है क्वेश्चन नंबर थ्री, सर क्या कंडीशन में लैम्डा भी आता है, लैम्डा तो बेटा स्केलर है, उसके वैल्यू निकाल के रख दी ना हमने,
मैंने बताया तीन तीन, अगर हमारे पास ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन था ना, लैम्डा की वैल्यू निकाल दी हमने, अगर हमारे तीन वेक्टर है ना, कोई भी मान ले तीन वेक्टर हमने ए बी सी लिए हैं और तीनों कॉप्लानर है, तो आपको मैंने शुरू में ही कंडीशन कराई थी जब वेक्टर की थ्योरी पढ़ाई थी कि उनमें से जो एक वेक्टर होगा, कोई सा भी वेक्टर ले लो ए बी सी में से, एक वेक्टर जो दूसरों के लीनियर सम के इक्वल होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा उसका, कि वेक्टर ए इक्वल टू एक्स बी प्लस एक्स बी और प्लस जेड सी, ऐसे करके उसको लिख सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको लिखा है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर थ्री आप लोगों ने करा है, किसी ने किया है? क्वेश्चन नंबर थ्री, अ वेरिएबल प्लेन एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, एक वेरिएबल प्लेन है और एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन कट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस ए बी एट ए बी सी। इफ द सेंट्रोइड डी एक्स वाई जेड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी सेटिस्फाइज द रिलेशन देन वैल्यू ऑफ के। भाई ये इस तरह का क्वेश्चन है कि एक वेरिएबल प्लेन है, सपोज करो वेरिएबल प्लेन को क्या ले लो आप, कितने बच्चों ने किया थर्ड क्वेश्चन, कितनों से हो गया, नाम भेजो अपना। यस बोलो, करके लाओ बेटा, ये तो है ना। चलो ये बोलो क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर थ्री करके दिखाओ। चलो एक वेरिएबल प्लेन है एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से 1 यूनिट के डिस्टेंस पर है और कट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए बी सी, सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी सेटिस्फाइज द रिलेशन। तो यानी कि इसमें आप लोकस ऑफ सेंट्रोइड निकाल दो, लोकस ऑफ सेंट्रोइड। एक वेरिएबल प्लेन है तो वेरिएबल प्लेन क्या लोगे बेटा आप लोग, एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी जेड अपॉन सी इक्वल टू 1, ये वेरिएबल प्लेन ले लो। अब ये ओरिजिन से 1 यूनिट डिस्टेंस पर है, तो ओरिजिन से इसका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड कर लो। कौशल कैसे करते हैं, कौशल कपूर, अमित, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस फाइंड कैसे करते हैं? हो गया, अब क्या होगा, ये यूनिट ये दे रखा है, डिस्टेंस दिया हुआ 1, ये 1 हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1 अपॉन a² b² c² ये इक्वल आ जाएगा 1 के। अब बेटा ये जो एबीसी तो अल्फा किसके इक्वल हो गया, अल्फा किसके इक्वल हो गया, ए प्लस जीरो बाई 3 के इक्वल हो गया, तो ए की वैल्यू 3 अल्फा आएगी, ऐसे ही बी की वैल्यू 3 बीटा, सी की वैल्यू 3 गामा, इन वैल्यूज को यहां रख दो तो 9 अल्फा स्क्वायर 9 बीटा स्क्वायर और 9 गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहां से अल्फा बीटा गामा को रिप्लेस कर दो एक्स वाई जेड से, तो 1 अपॉन x² y² 1 अपॉन z² इक्वल टू 9। तो k की वैल्यू क्या हो गई, 9 हो गई। ये इसको क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता था कि लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ अ लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ सेंट्रोइड अगर कहा होता फाइंड करने के लिए कि एक वेरिएबल प्लेन डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन कट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए बी सी, तो फाइंड द
लोकस ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल एबीसी, ऐसे भी हो सकता था ये क्वेश्चन, तो यही होगा, सेम सॉल्यूशन होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द लाइन एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1/√6 फ्रॉम द पॉइंट 2, 1, -1। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है कंटेनिंग द लाइन, जो इसको लाइन को, इनसे जो लाइन बनेगी उसको कंटेन कर रहा है, और 1/√6 की डिस्टेंस पर है फ्रॉम द पॉइंट, इस पॉइंट से 1/√6 की डिस्टेंस पर है। इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइन, जो इस लाइन को कंटेन करता है। हाँ बोलो आशीष, कैसे कैसे करोगे मुझे थोड़ा बताओ, क्या करोगे, कैसे सॉल्व करोगे? हाँ एक्चुअली बेटा ये पूछ रहा है कि इससे जो लाइन लाइन ये तो दो, ये प्लेन की इक्वेशन है, ये भी प्लेन की इक्वेशन है, राइट? हाँ ठीक है, तो ये भी प्लेन के है, ये भी प्लेन के है, तो दोनों प्लेन जहां काटेंगे तो ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आएगी ना, जैसे वो सिमेट्रिक फॉर्म में लाइन को चेंज करते हैं, तो उससे आप यहां से क्या फाइंड कर लोगे, लाइन के डीआरस, और लाइन के डीआरस इससे जो प्लेन की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आएगी यहां से, तो उसके डीआरस फाइंड करने के दो तरीके हैं। एक तो तरीका है कि आप इसके और इसका क्रॉस, इसके नॉर्मल और इसके नॉर्मल का क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, N1 × N2। दूसरा तरीका क्या है, डॉट प्रोडक्ट करके, क्योंकि लाइन के डीआरस अगर हम एबीसी ले लेते हैं उससे भी हो जाता है। तो इसका जो नॉर्मल होगा वो होगा 2 − 1, 1 और 3, 1, 1, 1। तो सबसे पहले आप इसका N1 × N2 फाइंड कर लो, IJK, इसका 2 − 1, 1 और 3, 1, 1, ये आ गया। सॉल्व करना इसको, −1 − 1 − 2, 2 − 3 − 1 प्लस जे के, 3, 2 + 3, 5 के, ये आ गया। तो ये क्या चीज आई है, ये जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन हो गई, उस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन की डायरेक्शन आ गई, यानी हम ये कह सकते हैं −2, 1 और 5 उसके डीआरस आ गए, उसके किसके, लाइन के, ये लाइन के डीआरस आ गए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइन, वो लाइन को कंटेन करता है और 1/√6 डिस्टेंस पर है फ्रॉम द पॉइंट, और उसका डिस्टेंस पॉइंट से 1/√6 है। तो अब हमको बताना है कि उस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है हमको, तो प्लेन की इक्वेशन कैसे निकालोगे, ये तो हमें पता नहीं, प्लेन जाएगा वहां से, पॉइंट तो पता नहीं है, तो वो पॉइंट कैसे निकलेगा, प्लेन कहां से जाएगा? ये तो डीआरस आ गए ना बेटा, ये तो हमको ये तो हमारी लाइन के डीआरस आ गए, प्लेन की इक्वेशन क्या होगी फिर बताइए? अरे हमें सिमेट्रिक फॉर्म में निकालना पड़ेगा ना इसको, तो इसका पॉइंट निकाल लो कहां से लाइन जाएगी, कैसे निकालते हैं सिमेट्रिक फॉर्म में, जेड को जीरो रख के, आप जेड को जीरो रख लो, तो लाइन की इक्वेशन नहीं, तो लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे अभी, लाइन की इक्वेशन के लिए पॉइंट चाहिए ना हमको,
तो उसके लिए क्या करोगे आप, जो यहां से लाइन जा रही है इसमें जेड को जीरो रख दो, ये हो गया 2x माइनस वाई और 3x प्लस वाई इक्वल टू 5, ऐड कर दो 3 और 2 5, x की वैल्यू 8 अपॉन 5, x की वैल्यू 8 अपॉन 5 यहां रख दिया, 16 अपॉन 5 माइनस y कितना आ गया 3 इधर, 3 5 जा 15, 16 माइनस 15 1 अपॉन 5 इक्वल टू y। तो पॉइंट कौन कौन से आ गया, 8 अपॉन 5 1 अपॉन 5 कॉमा 0, ये पॉइंट आ गया। तो ये जो पॉइंट हुआ, यहां से लाइन जा रही है, अब लाइन को प्लेन कंटेन कर रहा है तो प्लेन भी तो इसी पॉइंट से जाएगा, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगी, अब इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गई a x माइनस 8 अपॉन 5 प्लस b प्लस सी। ए एक्स माइनस एक्स वन, बी वाई माइनस वाई वन, प्लस सी जेड माइनस जेड वन। जेड वन कितना हो गया, जीरो। ये वाला प्लेन और जो ये वाली लाइन होगी, कौन सी, ये वाली लाइन जो हमने फाइंड करी है, प्लेनर लाइन तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ये जैसे ये प्लेन है, बोर्ड है ना, और ये लाइन है, इस लाइन को प्लेन कंटेन कर रहा है, तो प्लेन के तो डी आर्स होंगे उसके परपेंडिकुलर। तो लाइन और लाइन और नॉर्मल, लाइन और प्लेन का नॉर्मल दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तो क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। लाइन के कितने हैं, ये है डी आर्स, तो कितनी बनेगी, ये माइनस का 2a और प्लस b और प्लस 5c इक्वल टू जीरो, एक कंडीशन ये बन गई। जो प्लेन है हमारा उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है प्लेन का, 2 1 माइनस 1 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1/√6 दे रखी है। देखो ये इसने क्वेश्चन एक्चुअली ये पूछा हुआ है कि इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द लाइन, यानी जो प्लेन जा रहा है ना हमारा, ये उसने ये वाला प्लेन पूछा हुआ है जो इस लाइन से जा रहा है, तो वो तो ये वाली इक्वेशन होती है ना, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो गई, सिंपल इक्वेशन ऑफ प्लेन होगी 2x माइनस वाई प्लस जेड माइनस 3 प्लस लैम्डा 3x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 5 इक्वल टू जीरो। यानी ये इसने पूछा है कि जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से जो प्लेन जा रहा है ना, उसकी इक्वेशन तो ये होती है ना, तो इसमें आप इसको x कॉमन ले लो, 2 प्लस 3 लैम्डा x प्लस y कॉमन ले लो, माइनस 1 प्लस लैम्डा y प्लस 1 प्लस लैम्डा z माइनस 3 माइनस 5 लैम्डा इक्वल टू जीरो, सही है। अब इस प्लेन का जो इक्वेशन वो है, इस वाले पॉइंट से डिस्टेंस 1/√6 है, तो इस प्लेन से अब डिस्टेंस निकाल दो, तो डिस्टेंस है 1/√6 इज इक्वल टू, कैसे निकालते हैं डिस्टेंस, ये वाला जो पॉइंट है वो इसमें रख दो, यहाँ x की जगह x के प्लेस पे 2, y पे 1, z पे माइनस 1, तो 2 यहां रखा तो हो गया 4 प्लस 6 लैम्डा, फिर 1 यहां पे रखा तो माइनस 1 प्लस लैम्डा, फिर यहां पर माइनस 1 तो माइनस 1 माइनस लैम्डा, माइनस 1 माइनस लैम्डा और माइनस 3 और माइनस 5 लैम्डा और अपॉन अंडर रूट एक्स का कोफिशिएंट 2 प्लस 3 लैम्डा का
होल स्क्वायर माइनस वन प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर, वन प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करके दोनों तरफ स्क्वायर करके और लैम्डा की वैल्यू फाइंड करो, वो लैम्डा की वैल्यू इसमें रख दो, वो आंसर होगा। सॉल्व करके बताओ इसको, लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है? सॉल्व करके बताइए लैम्डा की वैल्यू। सॉल्व नहीं हुआ है, ऊपर सॉल्व करके और स्क्वायर करके सॉल्व कर लो ना इसको। जीरो और माइनस सिक्स, जीरो और माइनस सिक्स, चलो यहां पर ये रख के सिक्स, माइनस सिक्स रख के लैम्डा की वैल्यू यहां पर, देखो क्या आंसर आ रहा है इसका। या यहां पे रख दो लैम्डा की वैल्यू, इसमें भी रख सकते हो, यहां पे, यहां पे लैम्डा की वैल्यू माइनस सिक्स रख दो और देखो क्या आंसर मैच कर रहा है। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन करो। ए बी अ वेक्टर पैरेलल टू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स पी वन पी टू थ्रू ओरिजिन। ए बी अ वेक्टर पैरेलल टू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन। अच्छा, लाइन ऑफ, दो 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 प्लेन है, एक पी वन प्लेन है, एक पी टू प्लेन है। इन दोनों की जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के पैरेलल, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के पैरेलल जो है वो कौन है? ए वेक्टर, ए है कोई, ए वेक्टर है। ए बी अ वेक्टर पैरेलल टू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स पी वन एंड पी टू थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन से जा रहा है वो। पी वन इज पैरेलल टू द वेक्टर्स। पी वन, पी वन किसके पैरेलल है? पी वन इज पैरेलल टू द वेक्टर्स 2j+3 के, टू j-3 के, फोर पी टू इज पैरेलल टू, दूसरा पी टू, पी टू इज पैरेलल टू, ये किसके पैरेलल है? जे माइनस के एंड 3i+3j। देन द एंगल बिटवीन वेक्टर ए 2i+j, ए के बीच में और 2i+j माइनस 2k, इन दोनों के बीच में आपको एंगल फाइंड करना है। 2i+j-2k के बीच में एंगल फाइंड करना है। बताओ, पी वन इज पैरेलल टू द वेक्टर 2j+3k और 4j-3k। पी वन एक, पी वन और पी टू प्लेन्स है, बिल्कुल सही बात है। जो ये वाला प्रिय, इन दोनों के पैरेलल है ना, पी वन इसके और इसके, दोनों वेक्टर्स के, तो जब दोनों के पैरेलल है तो इनका वो क्या आएगा, इसका नॉर्मल क्या आएगा फिर? प्लेन जैसे पैरेलल है यानी दोनों एक ही प्लेन में है, ये और ये, तो नॉर्मल के डीआरस का क्रॉस कर देंगे। सही बात है। तो जो पी वन प्लेन है, तो पी वन प्लेन का नॉर्मल निकालने के लिए क्या करेंगे? इसका नॉर्मल निकालने के लिए इन दोनों का क्रॉस कर दो तो नॉर्मल आ जाएगा। क्रॉस यानी ऐसे कर दो, आई जे के, ये 0 2 3 और ये 0 4-3, प्लेन आ जाएगा। क्या आ गया? आई के लिए -6 -12 -18, फिर माइनस जे, जे के लिए 0 हो गया, के लिए एन 2 फाइंड कर लो, दूसरे वाले प्लेन का नॉर्मल कितना आएगा? दूसरे प्लेन का नॉर्मल बताओ,
फाइंड करो दूसरे वाले प्लेन का नॉर्मल, खुद करो ना। जे माइनस के है ना, तो यह आएगा 0, 1, -1 और 3, 3 और ऊपर आई जे और के, ये आएगा ना। सॉल्व करेंगे आई के लिए तो 0, 3, 3 आई, जे के लिए 0 + 3 और के लिए 0 - 3। ठीक है क्या? देखना 3i 3j - 3 के यही आ रहा है। अब आपके ये n1 आ गया, n2 आ गया, दोनों का नॉर्मल आ गया, दोनों प्लेन कहां से जा रहे हैं? क्या आएगा फिर ये क्या आएगा? i के लिए क्या आएगा? 0 + 3, अरे आएगा ना i के लिए, फिर j के लिए -j, 0 - 3 + 3, फिर ये k के लिए 0 - ठीक तो आ रहा है, क्या आएगा? -3j, ये वाला j, तो ये माइनस का आएगा ना, तो मल्टीप्लाई करो 0 और ये -3, तो +3 हो जाएगा ना जे। अरे ऊपर आई जे के 0, 1, -1, 3, 3, 0 है ना, ये आई जे के होगा, तो जे के लिए जे माइनस का है, तो उसके लिए आएगी मल्टीप्लाई 0 और ये, अच्छा तो माइनस हो जाएगा यहाँ, माइनस होगा। लेकिन क्यों जे ये आएगा ना 0, अच्छा माइनस माइनस प्लस, ठीक है माइनस का 3j आएगा, राइट। तो ये नॉर्मल आ गए, अब नॉर्मल तो आ गया, प्लेन जा कहां से रहा है? तो अब जो ए वेक्टर आएगा, ए वेक्टर कौन सा होगा? ए वेक्टर पैरेलल टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स P1 एंड P2। तो ये जो नॉर्मल आया, ये नॉर्मल N1 आया और ये वाला नॉर्मल N2 आया, ये दोनों प्लेन्स के नॉर्मल आ गए। अब ये जो दोनों प्लेन होंगे, इनका जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आएगी, वो जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है उसको A कहा गया है, जो इन दोनों प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होगी उसको A कहा गया है। तो वो कैसे निकलेगी? वो ए जो आएगा वो क्या होगा? वेक्टर ए, वो वेक्टर ए N1 × N2 तो होगा, तो वो N1 × N2 कर दो, तो N1 × N2 कितना आ जाएगा? या तो आप डायरेक्ट कर लो, डायरेक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा? -18, और ये हो गया क्रॉस करोगे ना, क्रॉस 3i - 3j - 3k, ये करोगे तो हो गया -18, 3 = 54, तो i × i 0 प्लस का 54 और i × j कितना हो गया? i × j हो गया k, फिर माइनस माइनस प्लस, 18, 3 = 54 और i × k क्या हुआ? i × k -j, i × k ij होगा या -j होगा? -j होगा ना, i × k क्या होगा? -j, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो गया हमारा माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस हो जाएगा 54j, ये हो गया 54k - 54j। कौन सा वेक्टर आया? ये वेक्टर ए आ गया। अगर इसमें से हम dr से ले लें इसके, तो 54 कॉमन ले लिया, तो ये बचा -j + k,
तो हम डी आर्स को माइनस वन और वन भी कह सकते हैं। तो ये ए के डी आर्स आ गए। अब हमें जो एंगल निकालना है वो किसके बीच निकालना है? एंगल हमको पी टू और जे माइनस, नहीं, एंगल हमको इसके बीच में निकालना है, इन दोनों के, ए के और टू आई प्लस जे माइनस टू के बीच में एंगल फाइंड करना है। तो इसको हम माइनस जे प्लस के, ए को हम लिख सकते हैं माइनस जे प्लस के, डी आर से ले सकते हैं ना। तो इन दोनों के बीच का एंगल अब फाइंड करके देखो क्या आ रहा है, एंगल कैसे निकलेगा दोनों के बीच का। अब कर लो फाइंड, करो फाइंड करके बताओ क्या आ रहा है। तो सिंपल है, अब जल्दी करो। थ्री पाई बाई फोर, तो इसमें मोड में ले लेना ना बेटा, इसको ऐसे मोड में रख के तब करना ना। पाई बाई फोर भी आ जाएगा, थ्री पाई बाई फोर भी आ जाएगा, प्लस माइनस लेके करोगे तो। क्या एंगल, क्या आंसर आ रहा होगा? थ्री पाई बाई फोर, पाई बाई फोर आ जाएगा हमें। एक और क्वेश्चन करो। एक वेक्टर ए, यह है आई प्लस टू जे प्लस के, वेक्टर बी आई माइनस जे प्लस के, वेक्टर सी अ वेक्टर इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी, वेक्टर इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी हुज प्रोजेक्शन ऑन सी इज, एक वेक्टर है सपोज करो वो वेक्टर डी है, तो जो डी वेक्टर है सपोज करो डी वेक्टर वो ए और बी के प्लेन में है, डी इज इन प्लेन ऑफ ए एंड बी, सपोज कर लो कि वेक्टर डी इज इन प्लेन ऑफ ए एंड बी। अब वेक्टर इज इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी हुज प्रोजेक्शन ऑन सी, यानी डी का प्रोजेक्शन सी पे, प्रोजेक्शन ऑफ डी ऑन सी वो कितना है? वन बाई रूट थ्री, वन बाई रूट थ्री है, माइनस वन बाई रूट थ्री है। अब ये कंफ्यूजन है, तो आपको क्या फाइंड करना है? डी वेक्टर फाइंड करना है, तो करो जरा डी वेक्टर फाइंड करो। करना है इसको दो तरह से, आप इसको कर सकते हो। डी जो वेक्टर है वो इन प्लेन ऑफ ए एंड बी है ना, तो डी को आप ऐसा भी लिख सकते हो कि कैसे कि एक्स ए प्लस वाई बी, कोप्लेनर हो गए ना, डी इज इन प्लेन ऑफ ए एंड बी, तो वेक्टर डी को आप एक्स ए प्लस वाई बी, लेकिन यहाँ पे दो वेरिएबल आ जाएंगे। आप एक वेरिएबल लेके भी कर सकते हो कि डी वेक्टर को आप ऐसा भी ले सकते हो कि ए वेक्टर प्लस लैम्डा कोई स्केलर है, ऐसे भी ले सकते हो। डी वेक्टर इज इन प्लेन ऑफ ए एंड बी, तो डी यहां पे मैंने दो नहीं लिए, एक लिया स्केलर, तो d इक्वल टू ए प्लस लैमडा बी। तो यहां से d कितना आ जाएगा तुम्हारा, i प्लस टू जे प्लस के हो गया, और प्लस लैमडा, और b की वैल्यू i माइनस जे, ये आ गया। तो i वन प्लस लैमडा i प्लस टू माइनस लैमडा जे प्लस वन प्लस लैमडा के, ये हमारा कौन सा हो गया, डी वेक्टर। अब इसका प्रोजेक्शन, अब तो सीधा लिख लो ना, प्रोजेक्शन ऑफ डी ऑन सी, सी ये दे रखा है, तो प्रोजेक्शन ऑफ डी ऑन सी कितना होगा, वो ये होगा ना डी डॉट सी, और सी पे निकाल लेना प्रोजेक्शन, ये इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट थ्री। प्रोजेक्शन ऑफ डी ऑन सी
इज वन अपॉन रूट थ्री। तो डी डॉट सी निकाल के यहां से लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू यहां डाल दो, देखो क्या आंसर आ रहा। डी डॉट सी, सी के साथ डॉट निकालेंगे आएगा वन प्लस लैम्डा प्लस टू माइनस लैम्डा और माइनस वन माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाई अंडर रूट थ्री इक्वल टू वन बाई रूट थ्री। ये मोड में आता है, प्रोजेक्शन है ना, डी डॉट सी आएगा। लैम्डा से लैम्डा कट गया, वन से वन कट गया, क्या रही लैम्डा की वैल्यू, टू। अब ये जो लैम्डा की वैल्यू टू आई यहां से, वो यहां पे रख दो, ये बनेगा थ्री आई लैम्डा वन आएगा, तो लैम्डा की वैल्यू वन रख दो, फिर लैम्डा की वैल्यू वन रख दो, फिर देखो सही आ रहा आंसर। आप लोग करके तो ला नहीं रहे हो भाई क्वेश्चन, क्या करा जाए, है ना, सही नहीं है। कितना आ रहा लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू थ्री आएगी यार ये, हाँ मैं कह रहा था ना कंफ्यूजन हो रहा है उसमें, ये माइनस में दे रहा है, ये माइनस में होगा तभी आंसर आ पाएगा। दो लैम्डा इधर, तो लैम्डा की वैल्यू थ्री आ जाएगी यहां से, ये देखना बेटा ये उसमें ना कंफ्यूजन है वो, तो अब ये लैम्डा की वैल्यू थ्री आएगी, अब आंसर आ जाएगा।